श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। पिछले लाइव वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इस सप्ताह आपको वो मंत्र दूंगा जो कि गृहस्थों के लिए पूजा मंत्र है, लेकिन वाम मार्गी मंत्र है। कालांतर में विष्णु पद्धति से पूजा होने लगा घर में, और फिर जो नेचर का एक्सेप्टेंस था वो पूजा में घटता चला गया और बहुत ही सात्विक तरीके से पूजा होने लगा। आज भी हमारे गांव में जो भी, चाहे वो फल हो, वो सब्जी हो, वो अनाज हो, या वो कैटल हो, किसी भी तरीके का पहला भोग महादेव को चढ़ता है। सिर्फ पूजा पद्धति में नहीं, मतलब शैविक पूजा के पद्धति को विलुप्त ही नहीं किया गया, साथ में जो मंत्र है उसके साथ भी छेड़छाड़ हुई। देखो, जो ओमकार मंत्र है, मैंने आप लोगों को एक मंत्र दिया था, ओम होंग नमः शिवाय। उसी के साथ मैंने आप लोगों को एक और मंत्र दिया था, मंत्र था ओम ह्रीम होंग नमः शिवाय। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ओम नमः शिवाय अपूर्ण मंत्र है क्योंकि इसमें बीज नहीं है। तो ऐसा बोला गया कि ओम खुद में बीज है, ओम आदि बीज है, ठीक है। आदि बीज कहने से तात्पर्य है कि ओम, ओमकार जब आप बोलते हैं तो वो ब्रह्म स्वरूपा होता है, लेकिन उसके बाद आप अनंत शक्ति को जब आवाहन करते हैं तो उसके लिए अलग बीज होता है, जो महादेव है, जिसका आदि ना अंत है, उस महादेव को जिसमें शक्ति मिलती है जाकर के, उस महादेव का जो बीज है, उस बीज को ओम नमः शिवाय में जब आप लगाते हैं तभी ओम नमः शिवाय जो बीज है वो काम करता है। देखो, कालांतर में मैं फिर बताता हूँ, अल्प ज्ञान, अल्प अध्ययन, गुरुओं की गलती, गुरु का ये सोच लेना कि शिष्य ज़्यादा जान जाएंगे इसके चलते मंत्र नहीं देना, ये बहुत सारे चीज़ों का को खराब करने में इन सब चीज़ों ने सहयोग दिया। उसी में अगर आप लोग में से बहुत लोग एक मंत्र बटुक भैरव का जपते होंगे, ओम ह्रीम बटुकाय, पूरा मंत्र नहीं बोल रहा हूँ, आप सब उस मंत्र को ये सोच के जपते हो कि ये बटुक भैरव का मंत्र है क्योंकि इसमें ओम ह्रीम बटुकाय है, ये बटुक भैरव का मंत्र नहीं है। बटुक भैरव का 6 अक्षर का मंत्र है, वो भी मैं दूंगा आप लोगों को। ये मंत्र क्षेत्रपाल का, ये मंत्र मैंने भी वीडियो में बताया, क्षेत्रपाल भी भैरव होते हैं और ये मंत्र अच्छा है, लेकिन क्या ये बटुक भैरव का मंत्र नहीं है। उसी तरीके से हम अब अपने चैनल के माध्यम से आपको उन सब मंत्रों में क्या अंतर होना चाहिए और क्या आप लोगों को जाप करना है वो बताएंगे। आते हैं महादेव के जाप पे, शिव रूप में महादेव के जाप पे। बीज मंत्र क्या होगा? बीज मंत्र होता है होंग या होम, दोनों बीज मंत्र होता है, ठीक है। हम होंग बीज मंत्र जाप करते हैं, आप होम बीज मंत्र भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। पूजा में देखो, महादेव का पूजा करने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका क्या है? सुबह उठ करके एक शिव मानस पूजा है। जब आपने स्नान ध्यान नहीं किया है तो शिव मानस पूजा का आप पाठ कर सकते हैं। मानस पूजा जितनी भी है वो मुख्य पूजा से पहले की जाती है, मतलब स्नान ध्यान के कर्म से पहले, लेकिन जो नित्य कर्म है उससे निवृत्त होकर के जब आप उस पूजा बैठ करके आप उस पूजा का जाप कर सकते हैं। उसके बाद महादेव का जो पूजा है उसको करिए। शिवलिंग घर में कैसा रखना है इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अल्प में बताऊँ तो क्रिस्टल की शिवलिंग या स्पेटिक की शिवलिंग, मार्केट में जो स्पेटिक बोल के मिलता है सस्ते में आप लोगों को, वो कांच होता है, वो मत खरीदिएगा, वो आपको उल्टा असर करेगा। नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में नहीं रखा जाता है, बहुत लोग रखते हैं। बीज मंत्र मैंने बताया होंग है, तो बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा, जो पूजा मंत्र है महादेव का, जल आपने कर दिया, अभिषेक आपने कर दिया, उसके बाद आपको जाप करना है महादेव का, तो महादेव का जाप मंत्र होता है
ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। फिर से सुनिए, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। एक बार और सुनिए, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम। ये महादेव का जाप मंत्र है। अच्छा, संख्या, जब आप पूजा पर बैठे हैं तो पूजा का जो काल होता है, जो समय होता है पूजा करने का, वो 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आप देवता को छेक के पूजा नहीं कर सकते हैं। हाँ, साफ सफाई में आपको जो भी समय लग रहा है लगे, लेकिन उसके बाद अगर आप कम मंत्रों का जाप करते हैं तो 108 बार जाप कीजिए। और अगर आपके पास बहुत सारा, मतलब आपने पूरा एक क्या बोलते हैं उसको, एक कलेक्शन रखा है मंत्र का, आपको लगता है कि एक भी भगवान अगर छूट गए 33 कोटि में तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो 7-7 बार आप सभी देवी देवताओं का जाप करिए, लेकिन पूजा स्थान को आप 15 मिनट से ज़्यादा नहीं छेक सकते हैं। तो इस मंत्र का जाप, जो पूजा मंत्र का है, ध्यान करके कभी भी दिन भर इसको बिना गिनती के जाप करिए। ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र का जाप बिना गिनती के, उठते बैठते खाते पीते यथास्थिति, जिस भी स्थिति में है आप उस स्थिति में जाप कीजिए। और जो बीज मंत्र है हौंग, उसका भी यही विधान है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं भगवती माँ का भी मंत्र बताऊंगा, भैरव बाबा का भी मंत्र बताऊंगा, जो बटुक भैरव का आप लोगों के पास जो मंत्र क्षेत्रपाल बोल करके सालों से चला आ रहा है, उस भ्रम को भी आज तोड़ूंगा, मतलब आने वाले वीडियो में तोड़ूंगा। बटुकाय जो मंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय, वो क्षेत्रपाल का मंत्र है, ठीक है। महादेव के बहुत सारे रूप हुए, उसी में एक क्षेत्रपाल भी रूप हैं, जो कि भैरव के ही रूप हैं। अब जैसे महादेव हैं शिव, शिव रूप में उनकी पूजा होती है, मृत्युंजय रूप में पूजा होती है, दक्षिण मूर्ति रूप में पूजा होती है, चिंतामणि रूप में पूजा होती है, नीलकंठ के रूप में पूजा होती है, रुद्र के रूप में पूजा होती है, चंडी के रूप में पूजा होती है, हाँ, तो बहुत सारे रूपों में पूजा होती है। उसी तरीके से महादेव का एक रूप है क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल का मंत्र है ओम ह्रीम बटुकाय, ठीक है। तो आप लोग जो कर रहे करिए, लेकिन इंतज़ार कीजिए, एक वीडियो अभी आएगा, उसमें जो महादेव जी ने जब भैरव का रूप लिया था और बटुक भैरव बने थे और ब्रह्मा जी का सर उन्होंने काटा था, वो उनका मैं आपको 6 अक्षरी बीज मूल मंत्र दूंगा, उसको जाप कीजिएगा घर में, बहुत लाभ होगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431885885। व्हाट्सएप करिएगा तो पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए। US, इंडिया और कनाडा से लोग मुझसे बात कर सकते हैं। मैं रुद्रनाथ@cm4 पर मैं मिलता हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए www.aghortantrahasya.xyz पर लॉगिन कीजिए, अपॉइंटमेंट सेक्शन है, उसमें जाइए और आप मुझे अपॉइंटमेंट सीख करके मुझसे बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महादेव आप लोगों को सिद्धियाँ प्रदान करें और आप लोगों का जाप सफल करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग खाते हैं।